मार्केट्स में जबरदस्त तेजी है और इस तेजी का आज जो श्रेय हम दे रहे हैं वो है HDFC बैंक, जहां पे 3% से ज्यादा की तेजी है इस दिग्गज में, और इसी के साथ निफ्टी बैंक और साथ ही निफ्टी 50 रिकॉर्ड ऊंचाई पे भी आते दिख रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट्स में भी जोश है, पर ऐसे में आप कहाँ पे मौके तलाशें और कहाँ पे हो जाएं थोड़े से सतर्क, ये हम रोज समझने की कोशिश करते हैं हमारी इस खास पेशकश मार्केट के महारथी में। और आज के महारथी का चलिए स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुशांत भंसाली जी, जो कि CEO हैं एम्बिट एसेट मैनेजमेंट के। सुशांत जी, आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है एंड शुक्रिया अपना समय देने के लिए। सबसे पहले तो आपसे मार्केट्स पे ही राय जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए जबरदस्त तेजी दिखाई पिछले महीने, अब हम रिकॉर्ड ऊंचाई पे आते हुए दिख रहे हैं, और ऐसे में कई लोगों को जो है थोड़ी सी फोमो फीलिंग भी रहती है कि इस बुल रन में कैसे पार्टिसिपेट करें, क्या ये रैली मिस हो गई है। पर सुशांत जी, अब जो पूरा फोकस है वो अर्निंग्स और साथ ही बजट को लेकर है, तो आपसे ये समझना चाहेंगे कि कहाँ पे आप देख रहे हैं नए मौके, कौन से सेक्टर्स पे आप रिसर्च चालू कर चुके हैं, और आपको कहां लगता है कहां पे अपॉर्चुनिटीज हैं? धन्यवाद सृष्टि शो में बुलाने के लिए। डेफिनेटली मार्केट्स नई ऊंचाई पर हैं, और जिस हिसाब से FIs have come back in the month of June, उस हिसाब से if that support continues to the market, तो मार्केट आई थिंक नई ऊंचाई लेता रहेगा हर महीने, मेरी एक्सपेक्टेशन है। FY24 बहुत अच्छा था अर्निंग्स के लिए, ओवरऑल BSE 500 या निफ्टी किसी की बात करें हम, दोनों सेगमेंट्स बहुत लार्ज कैप मिड कैप सब में काफी अच्छी अर्निंग्स आई थी। FY25 अर्निंग्स विल बी अ बिट लोअर देन दैट, और उस हिसाब से आई थिंक जितना रिटर्न लास्ट एक साल में मार्केट्स ने दिया है उतना रिटर्न शायद हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं इस साल, बट फिर भी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन ही है। वॉलीटिलिटी डेफिनेटली रहेगी the same time, but last 4 saal se hum straight line dekh rahe hain market ka, the market se upar ja raha hai, so aise mein kuch consolidation ki sambhavna zarur rehti hai, isliye investors have to be cautious. So would say ki ek simple cheez hai ki agar aapne whether by luck or by skill aapne jo paisa banaya hai markets mein use ab khona nahi chahiye, to get back to I think ultimately markets are slave of earnings, यही सब लोग सारे दिग्गज इन्वेस्टर्स बोलते हैं, तो इसलिए अर्निंग पे फोकस रखिए, जहाँ पे अर्निंग आ रही है आई थिंक वहाँ पे आप अपना कंटिन्यू रखिए। थोड़े पॉकेट्स थे मार्केट में जहाँ पे वैल्यू थी, जैसे बैंक्स थे, बट लास्ट फ्यू वीक्स बैंक्स के लिए काफी अच्छे रहे, बट हमें लगता है अभी भी काफी बैंक्स में स्टीम बाकी है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द मार्केट। दैट्स वन सेक्टर सुशांत जी नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। सर देखिए, बाजार जब रिकॉर्ड ऊंचाई पर होती है थोड़ी चर्निंग भी होती है, लोग सवाल ये करते हैं कि क्या करें, प्रॉफिट टेकिंग कर ले क्या, क्योंकि हमने देखा कि सरकारी शेयर, पावर, रेलवे, उसके बाद बैंकिंग, उसके बाद IT, कुछ कुछ ऑटो, ये सारे के सारे पार्टी के मूड में हैं। तो ये बताइए सर कि थोड़ी सी बजट से पहले, अर्निंग से पहले क्या थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग कर लें या फिर बाजार में इन्वेस्टेड रहें? और दूसरी चीज, क्या कुछ विद इन मार्केट कुछ सेक्टर रोटेशन करने का ये वक्त लग रहा है आपको? बिल्कुल, आई थिंक जैसे मैंने अभी बताया कि कॉशियस रहने की बहुत जरूरत है। जो प्रॉफिट्स लोगों ने बनाए हैं लास्ट 4 साल में, उसे अगर आपने खो दिया तो लास्ट 4 साल का सारा सिर्फ एक्सेल शीट और वेबसाइट पे दिखेगा, आपके बैंक अकाउंट में नहीं दिखेगा। सो कॉशियस रहना बहुत जरूरी है। जिस सेक्टर में, जिस कंपनी में अर्निंग्स आपको लग रही है कि आशंका अच्छी है, सपोर्ट अच्छा है, आप उन्हीं सेक्टर्स में और कंपनी को बना रहना चाहिए अभी से, जहाँ पे वैल्यूएशंस काफी हाई हो गए हैं और अर्निंग ग्रोथ उतनी नहीं है, उन सेक्टर से आई थिंक इन्वेस्टर्स को अभी प्रॉफिट बुकिंग जरूर करनी चाहिए। और जिन सेक्टर्स में या तो वैल्यूएशन गैप है, जैसे बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स,
और यहाँ पे और यह सेक्टर जहाँ पे अच्छी अर्निंग ग्रोथ की उम्मीद है एज अ सेक्टर इटसेल्फ, लाइक आईटी एंड केमिकल जैसे मैंने बताया, इन सेक्टर्स में रोटेशन जरूर करना चाहिए। और राइट सुशांत जी, देखिए अर्निंग्स तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म मार्केट्स को एक डायरेक्शन देती हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग आपका टेक रहा कि केमिकल्स और आईटी जो है अभी कमबैक करते हुए दिख सकते हैं. पर सुशांत, एक बड़ा जो ट्रिगर रहेगा वो बजट के लिहाज से भी होगा. हालांकि अब हम ये नई सरकार में देखते हैं कि जीएसटी पॉलिसी हो जाए या फिर अन्य अनाउंसमेंट्स जो है टाइमली आती रहती हैं, पर क्या बजट के लिहाज से कोई सेक्टर आपको लगता है जहाँ पे अभी भी सरकार को फोकस करना चाहिए और यहां पे एज एन इन्वेस्टर थोड़े से मौके जरूर बनेंगे? इस पे आपकी टिप्पणी. बिल्कुल, बजट पे आई थिंक बहुत बड़ा इवेंट है, इनफैक्ट जनरल इलेक्शन से बड़ा इवेंट आई थिंक बजट है हमारे हिसाब से। हम ऐसा लास्ट 3 टर्म में से पता रहे सबको कि बजट डिसाइड करेगा मार्केट का रुख गोइंग फॉरवर्ड। आई थिंक सरकार सिमिलर पॉलिसीज कंटिन्यू रहेगी, बट गिवन दैट जिस हिसाब से रिजल्ट्स आए, आई थिंक गवर्नमेंट का फोकस ऑन कंजम्पशन रहना चाहिए, और कैपेक्स रिलेटेड जो सरकार ने बजट किया है 3-4 साल में बहुत उन्नति की है उन बजट्स में, वो कंटिन्यू रहेगी। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा इन्वेस्टर्स के और सब लोग डिमांड में, और उसको हम कीनली वॉच करेंगे बजट के लिए। एट द सेम टाइम रूरल इकोनॉमी के लिए आई थिंक गवर्नमेंट क्या नया करती है, ये भी एक बड़ा रहेगा, बिकॉज दैट इज वन साइड ऑफ द इकोनॉमी जहाँ पे आई थिंक काफी उम्मीदें हैं और लोगों को कि सरकार कुछ नया करेगी रूरल कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए। तो उससे रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं या लोअर एंड ऑफ डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है, क्योंकि तो रूरल अगर उन्नति करता है तो इन सेक्टर्स में आपका काफी पार्टिसिपेशन कंजम्पशन का रहने की उम्मीद है। और सुशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें अपने समय देने के लिए और साथ ही तमाम स्टॉक्स और सेक्टर्स पे अपना नज़रिया भी शेयर करने के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. हमेशा काफ़ी अच्छा लगता है आपसे बात करके, और आपसे सीखने का भी हमें मौका मिलता है. पर चलिए, इसी के साथ इस शो को यहीं पे समाप्त करने का भी वक्त हो चला.